अस्सलाम वालेकुम फ़्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खैर हरीत से ठीक ठाक होंगे इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें आबाद रहें तो आज एक और नए वीडियो के साथ और एक नई सुबह के साथ एक नए दिन के साथ आगाज़ करते हैं एक छोटे छोटे डी एवाए आपके लिए लेके आई हूँ जो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी हैं ये छोटे छोटे जो मसले मसाइल लड़कियों के साथ लगे रहते हैं गर्मियों में वो बहुत ज़रूरी हैं सबसे पहले लेना है मिल्क मिल्क के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ विटामिन ई ऑयल के ड्रॉप्स फाइव ड्रॉप्स मैंने ऐड की हैं और ये मैं डार्क सर्कल्स के लिए बना रही हूँ डार्क सर्कल्स हो जाते हैं ब्लैक लाइज रिंकल्स हो जाती हैं आँखों के इर्द गिर्द सारे ब्लैक से हल्के हो जाते हैं और रिंकल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं गर्मियों में नींद ना पूरी होने की वजह से तो आपने लेना है एक प्यारा सा मलमल का कपड़ा जैसे मैंने लिया है मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नरम और मुलायम होता है रुई से बेहतर है कि आप ये, ये यूज़ करें तो सबसे पहले आपने इसको आई शेप में काट लेना है काटने के बाद ये देखें मैं इस तरह से इसे कट कर रही हूँ आसानी से ये तो आपके आई सर्कल्स को कवर कर लेगा तो आप ये ओवरनाइट भी लगा सकते हैं जल्दी अगर आप रिज़ल्ट चाहती हैं तो आप ओवरनाइट लगाएं रोजाना और डेली बेसिस पे आपने इसे यूज़ करना है अगर आप रात को नहीं यूज़ कर सकती तो ये देखें मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा रही हूँ देन अभी ये देखें मैं अप्लाई करके आपको दिखाने लगी लग हूँ तो आपने इस तरह से इसको अच्छे से पहले इसे डिप करके 20 मिनट रखना है इस दो मिल्क के अंदर रॉ मिल्क मैंने यूज़ किया है इसे डिप करके रखना है उसके बाद इसमें विटामिन ई ऑयल की कुछ ड्रॉप्स यूज़ करने अगर विटामिन ई ऑयल नहीं है आपके पास तो आप जो विटामिन ई के, के कैप्सूल्स मिलते हैं ना वो हाफ कैप्सूल भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं क्योंकि आँखों की जिल्द बहुत होती है हसास होती है तो ये देखिए इस तरह से ये तो मैंने मास्क पहना हुआ है इसलिए मास्क के ऊपर आ गया और सिंपली जब मैं यूज़ करती हूँ तो ओवर के लिए ही रहने देती हूँ क्योंकि ओवर में ये है कि बहुत जल्दी ही पाँच दिनों में आपके हल्के गायब हो जाते हैं और रेगुलर यूज़ करने से दस दिनों में आपके रिंकल्स जो लाइंस आ जाती हैं वो रिमूव हो जाएंगी इन तो पाँच मिनट के लिए रहने देना है ये मत समझिएगा कि मैं लानत भेज रही हूँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मैंने पाँच मिनट कहा है कि पाँच मिनट इसको ऐसे लगा रहने देना है और उसके बाद ये देखें देन ये और अभी आप रिजल्ट देखिएगा देखिए फिलहाल ब्लैकनेस जो है बिल्कुल पहली फर्स्ट एप्लीकेशन से ही हो गई है रिमूव ये देखें ये सारे ब्लैकनेस इसकी रिमूव हो गई है देन दूसरा सेकंड डी ओ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ <coughs> और ये है जो ब्लैकस uh, हो जाते हैं आपके और अपर लिप्स ब्लैक हो जाते हैं और ब्लैक जो नोज पे होते हैं वो उसके लिए है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं आटा वो आटा इस्तेमाल करना है और कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी है टूथपेस्ट आप जो भी घर में अपने दांत यूज़ कर दांत साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं वन टेबल स्पून और आटा कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं मैदा है तो वो इस्तेमाल कर ले बेसन नहीं इस्तेमाल करना और आप आटा मैदा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हाँ कॉर्नफ्लावर भी यूज़ नहीं कर सकते अरके गुलाब इसमें वर्क गुलाब के और बड़ी बोतल आ गई आपके सामने तो अरके गुलाब इसमें ऐड करना है इतना मिक्स करना है कि ये अच्छे से ना मिक्स हो जाए बैटर तैयार हो जाए दैन ये देखिए पतला बिल्कुल पतला हो गया तो फिर आप इसमें आटा ऐड कर सकती हैं और बहुत ही हो गया तो वो तो हाल है अर्के गुलाब आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर पीछे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा तो ये देखिए अच्छे से ये बैटर तैयार हो गया और इसे आपने रुई की मदद से ना अपने अपर लिप्स पे लगाना है और अपर लिप्स बहुत ज़्यादा लड़कों के भी और लड़कियों के भी ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं और नोज़ के ब्लैक हेड जो होते हैं ना उस पर लगा के बीस मिनट रहने देना और उसके ऊपर इसके ऊपर ना टिश्यू लगा देना जब आप अप्लाई करेंगे अप्लाई करने के बाद रुई से अप्लाई करना है अप्लाई कर फिंगर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपने कर लेना है ऊपर टिश्यू रैप कर लेना है अपर लिप्स पे भी और इस पे भी ब्लैक हेड्स के नोज़ पे भी तो अगर टिशू नहीं है तो आप ये मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं और इसे आप पाँच दिन के लिए महफूज रख सकते हैं स्टेनर के अंदर आप फ्रिज के अंदर रखना है क्योंकि बाहर होगा तो फिर ख़राब हो जाएगा नेचुरल चीज़ें और अच्छा बेहतर ये होता है कि आप डेली बुनिया बेसिस पे जैसे आप डेली बुनियाद पर आप जैसे लगाएंगे ना वैसे ही फ्रेश बना लें तो वो इस ही असर असर करती हैं दैन ये आप इसके स्टेनर इस के अंदर आप रख सकते हैं थर्ड ईयर वाई आ गया है थर्ड ईयर वाई ले रही हूँ मैं एलोवेरा ये है सन टैनिंग के लिए सन टैनिंग हो जाती है टीन एजर के लिए जो कॉलेज गोइंग होती है स्कूल गोइंग होती है छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं स्कार्फ लेती हैं और जिससे हम पूरा कवर करना चाहिए गर्मियों में लेकिन ये है कि हाँ एक और टिप मैं देती चलूँ कि आप जब जाएँ ना कॉलेज जाएँ या छोटी बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं बिल्कुल बहुत छोटे बच्चों को भी नहीं लेकिन यह है कि टू थ्री क्लास से जो लड़कियाँ स्कूल जाती हैं स्प्रे बॉटल में आप थोड़ा सा पानी डालें थोड़ा सा अर्गे गुलाब उसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करके और दो पुदीने के पत्ते उसके अंदर ऐड कर लें जल्दी मैं वो टोनर भी आपको बनाना सिखाऊंगी और स्प्रे करके बच्चियों को भेजें जब वो आए अपना फ़ेस वॉश करके फिर वो स्प्रे कर लें इंशाल्लाह सन टैनिंग नहीं होगी तो एलोवेरा एलोवेरा को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मैं हाँ जी इस एलोवेरा के अंदर मैंने ऐड किया था सॉरी वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गया लेकिन इस एलोवेरा के अंदर मैंने शहद ऐड किया था ये इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको बनाना सिखा दूँगी इसके अंदर मैंने शहद ऐड किया था और <coughs> चुटकी हल्दी ऐड की थी बस इसके अलावा और कुछ भी ऐड नहीं किया था तो आप इसे अच्छी तरह से जैसे मैं लगा के दिखा रही हूँ सन टैनिंग आपके जिस एरिया पे हुई हुई आप उस पर यूज़ कर सकते हैं आसानी से आप इस तरह मलमल -मल के कपड़े के साथ यूज़ करना पंद्रह मिनट मसाज कर करनी और मसाज करने के बाद लगा रहने नहीं देना अपने चेहरे को वॉश कर लेना है अगर उंगलियों के पोरों की मदद से लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन ज़रा तेज़ होती है तो सन टैनिंग रिमूव होने में ज़रा जल्दी होगी तो सॉरी सॉरी सौ, अगेन सॉरी ढीर हो गया था क्लिप लेकिन मैंने यही दो तो चीज़ें इसमें ऐड की थी चुटकी हल्दी और आ, हनी शहद ऐड किया था मैंने तो उसके बाद मैं ब्लैक जो हो जाते हैं लिप्स उसके बारे में एक डिया वाइट दू, दूंगी आगे तो सबसे पहले एक बाउल ले लेना बाउल के अंदर हम ऐड करेंगे शहद वन टीस्पून क्योंकि ये आप ये भी आप बना के रख सकते हैं वन एक हफ्ते के लिए बना के फ्रीजर रिफ्रिजरेटर में रखना है फ्रीज़र में नहीं रखना नीचे फ्रिज में रख देना है तो इसके अंदर चुटकी हल्दी ऐड करेंगे और देन अरके गुलाब अरके गुलाब ये आप ये भी उंगलियों के पौरों की मदद मतलब से आप रात को इस्तेमाल करें और हाँ उंगली के एक टिप पे लगा के तो अपने होंठों को मिसाज करें आपकी होंठ इन पहली पहले ही से ना आप शॉक हो जाएंगे आपकी होंठ नेचुरली गुलाबी होते जाएंगे और ये आपने डेली यूज़ करना है रात को यूज़ करें आपकी होंट इंशाल्लाह गुलाबी हो जाएंगे ये सर्दियों में भी आप इस यूज़ कर सकते हैं और गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए